दूसरा रूल है चंदा कभी नहीं, तीसरा जाति क्या अभ्या। जैसे सुधीराज सर ने 10 गोल्डन रूल काफी डिटेल में बताए थे, और उन्होंने इतनी मेहनत करके और हाउस में रखे, और वो बड़े इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा आधार है समण संघ का और आगे बढ़ने का। जो समण संघ क्या है, समण जो लोग हैं, या समण समाज है, या कहें हम जो समण समूह है, वो कैसे है कि उसके सारे अंग जो सारे के सारे साथ साथ है, जैसे भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ है, उपासन संघ है, सब मिला के जो समण संघ बनता है। ये समण शब्द जो है देश में विदेश में लाखों लोगों तक पहुंच चुका है पिछले 1.25 साल से, इसकी जो गर्जना कहें हम, तो ये शब्द बहुत कानों तक पहुंच चुका है, और लोगों को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारा, जैसे जैसे बार बार कानों में जाता है तो कोई ना कोई उससे लगाव तो हो ही जाता है, तो फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो सोचता है हमारे महापुरुष जितने भी है, चाहे बुद्ध से लेके बाद में हमारे संत कबीर साहब सभी हुए हैं, गुरुदास रविदास जी हैं, उसके काशीराम जी है, बाबा साहब है, वो ये सोचता है कि शायद ये शब्द उनसे कहीं लिंक है, और हम सभी को इस शब्द को जानने की जरूरत है, क्योंकि हमें हर कदम कदम पे हम काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो वहाँ हर किसी का ये क्वेश्चन होता है समन क्या है, और जब हम नहीं जानेंगे, हमें पता नहीं होगा इसकी डिटेल, तो हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला गोल्डन जो रूल है वो है केवल समण, मतलब समण संघ में कौन आ सकते हैं, सिर्फ समण आ सकते हैं, और पहला रूल हमने बनाया केवल समण आ सकते हैं, तो हमें इस समण शब्द की महत्ता इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, क्योंकि 10 गोल्डन रूल है, उसमें से पहला गोल्डन रूल है हमारा। गोल्डन रूल अभी प्रोफेसर साहब ने भी बता दिए थे ब्रीफ में, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, क्योंकि हमें बार बार ये गोल्डन रूल बताने चाहिए और बोलने चाहिए कि पहला है केवल समण, दूसरा रूल है चंदा कभी नहीं, तीसरा जाति क्या अभ्यास कभी नहीं, चौथा संघा संघ का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, पांचवा पद प्रतिष्ठा मंच माला अभी नहीं है हमारे, छठा पंजीकरण कभी नहीं होगा, सातवां संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, इसके संघ के सदस्य कोई भी है वो जा सकते हैं, आठवां संगादि से संगादि देश सर्वोपरि, वो सातवां है, बल्कि जो संघ का आदेश है, जैसे बड़े बड़े संघ है वो तो कोई ना कोई निर्णय लेते हैं मीटिंग करके सभा करके, जैसे अपना हाउस है सभी मिलके, तो संघ में कोई ना कोई चीज पारित करते हैं, वो आदेश अगर होगा तो सबको पालना करनी है उसकी। तो आठवां राजनीति संघ राजनीति में नहीं जाएगा, नौवां जो संघात है वो, कई बार हम संघात को नॉर्मल ले रहे हैं, संघात कोई ये छोटे मोटे जो नियमों की जो है हम ना माने पालना ना करें वो नहीं है, संघात एक बहुत बड़ा घात है कह सकते हैं, संघ को जिस क्षति जितनी हो, और वो सारे मिलके लगाएंगे, सबको ये लगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा संघ के विरोध की बात यह है, ऐसा आज किसी ने कोई आचरण किया है, और वो पूरा हाउस से लगेगा, तो वो संघात होगा, छोटा मोटा ऐसे नहीं, छोटी वो जो माफ करने लायक है कुछ भी है तो वो तो माफ किया जा सकता है, तो उस संघात एक बार लगने बाद अगर वो प्रूव होगा, प्रूव भी हाउस में ही होगा, उसके बाद उसकी वापसी नहीं है, और ये हमारे जो नियम नो है 10वां रूल है कि गोल्डन रूल है, ये सारे के सारे कभी अमान्य नहीं होंगे, ये हमारे समण संघ का आधार है, स्तंभ है, कि सबसे 10 खंभे हैं जिन पे हमारा समण संघ जो है खड़ा रहेगा, खड़ा है, खड़ा रहेगा।
ये पहला नियम है। इसके बारे में जैसे समण कौन है, समण का क्या अर्थ है, समण संघ में कौन कौन आते हैं, किस किस को माने, इस तरह के हमारे प्रश्न हमेशा सामने आएंगे। तो समण शब्द जो है ये बहुत पुराना शब्द है। ये व्यक्ति की विशेषता कह सकते हैं, ऐसे लोगों का समूह, ये विशेषण है, हम कह सकते हैं विशेषता बताता है, जो लोग हमेशा समता में रहते हैं, बराबरी में। इसको समता मीन्स कोई भी इंसान दुख सुख और कोई भी लाभ हानि या किसी तरह की गम खुशी उसमें लगभग बराबर रहे, समता में रहे। जो जैसे हम अगर पुरानी बात समझे तो बुद्ध की आनंद की स्थिति कह सकते हैं। तो इस तरह के लोग, अब हम कहेंगे बराबरी कैसे, दूसरों से बराबरी कैसे होगी, हम बराबरी की बात कर रहे हैं पूरे समाज की। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब आदमी खुद इतना उसका मन सही है तो नेचुरली दूसरा भी ऐसे ही होगा या उसको ऐसा समझेगा। तो ऐसे लोगों का समूह, तो वो लोग सारे उस टाइम बुद्धा के टाइम से पहले हम कह सकते हैं बराबरी में रहते थे, और ऐसे लोगों का जो समूह है वो समण लोगों का समूह है, ये समण संघ है। और इसका जो उल्टा अगर हम कहें तो वो वमण, इससे रिवर्स हुआ के आचरण करने वाले लोग, वो बमण या ममण, वम माने उल्टी, तो उससे जो आचरण जो उल्टा करते हैं वो बमण है। तो चलो हमें बमण से कुछ नहीं करना, हमें समण से मतलब है। अब हम ये देखें इसको कि ये समण वर्ड हमें नया लगता है और कितना पुराना है, हमें इस पे अगर देखा जाए तो हम ये सोचे कि ये कहाँ चला गया ये समण वर्ड, ये कहाँ हमारा वो इतना पुराना वर्ड, अब तो हमें चलो पता चल रहा है लेकिन कहाँ था ये, किसके लिए यूज होता था, कैसे ये गायब हुआ। तो गायब करने की जो बात करें तो जो लोग कोई व्यवस्था को अपना कब्जा करना चाहते हैं कुछ, वो कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं, तो शब्दों का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। ये पाली भाषा जैसे है, हमें पता ही नहीं थी क्या पाली होती है, तो अब तो समझ में आ गई, अब तो हमें पता चल रहा है। तो उस भाषा के कह सकते हैं आधार पे या उस हिसाब से जो समन वर्ड है वो हमारे जो विरोधी जिनके लिए बड़ा खराब था, जो बराबरी चाहते नहीं थे, ऐसे लोगों की कोई जो उल्टा चाहते थे ऐसे लोगों के बजाय, तो उन्होंने उसको शब्द को कहीं ना कहीं बिगाड़ा, इसको समण से शर्मण कर दिया। और ये कर क्या दिया, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जैसे कबीर साहब के दोहे हैं या रविदास जी के हैं, वो दो को कई बार हम एक देसी से तरीके से पढ़े तो उनमें बमन वर्ड आया हुआ है काफी बार, और समण शायद मेरे मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन बमन तो बहुत है, बामन 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 बार बार आया है। वो ये तो हो सकता है कि बामन कुछ लोग होंगे जो खराब थे इसलिए उनका नाम आ गया, जो हम यहाँ के मूल निवासी थे वो तो थे ही थे, तो इसलिए शायद आया भी होगा, तो मुझे थोड़ा इसका पता नहीं है। तो ऐसे जो वर्ड को बाद में इन्होंने, इसका मतलब ये 1200 1300 1500 तक तो था ये सब, बाद में इन्होंने कहाँ गायब किया कैसे किया वो अब हमें पता चल रहा है कि इन्होंने, या कहना है कि क्या होता है कुछ अपने साहित्य में लिखने वाले ये रह गए, हम पहले तो थे सब कुछ, तो कुछ टाइम ऐसा हुआ कि हम भूल गए या हमें अधिकार वंचित किया या कैसे किया, हो सकता है इन्होंने किताबों में लिख दिया, तो वो किताबों में शर्मण समण के बजाय जैसे खुद को ब्राह्मण या शर्मण कर दिया। और जब संस्कृत भाषा आई तो जिसमें री और सै वगैरह है, श्रय श्रय री बनता है, शर्मण श्रय बनता है, सै और रह से, और दुए वाला सै और होता नहीं है, और जो दूसरा पेट पाड़ वाला सै नहीं होता पाली भाषा में, रह दूसरा मात्रा नहीं होती। तो ये सब इन्होंने संस्कृतीकरण करने बाद, संस्कृत का जो संस्कारित भाषा है पाली से, उसके बाद इस वर्ड को इन्होंने यूज करना किया होगा। और हमें फिर बाद में पता चला कि हम पढ़ते पढ़ते श्रवण पढ़ने लगे, श्रवण ही हमें पता है। और अगर हम देखें पिछले पिछले 20 30 50 सालों में हमारे बहुत सारे संगठन है अलग है जो हमें बताया, तो वो कहाँ से पढ़ा उन्होंने, उन्होंने भी बमनों के जो लिखी हुई चीजें हैं वही पढ़ी,
और हमने उसी को आगे बढ़ाया, उसमें देखा नहीं भी क्या है, नहीं पता था, नहीं पता था, अब पता चल गया है। तो समन वर्ड को फिर कभी हमने ध्यान नहीं दिया, अब हम अपने आप में गर्व करते रहे हैं। सभी यहाँ जो है बैठे हैं सबको पता है कि हम शरमन की बड़ी गर्व से कहते हैं, हम तो भाई शरमन है, श्रम करने वाले लोग हैं, बम्मन है खाली बैठे, जो फ्री में खाने वाले लोग हैं, बिना काम करके खाने वाले। लेकिन ये इन्होंने प्रचारित करके हमें इस तरह से बना दिया रहे कि हम काम करते रहे, हमें श्रमिक बना दिया, हमें श्रम करने वाला बना दिया। तो हम अपने आप में गर्व महसूस तो करते रहे, लेकिन हमें पता नहीं, हमारा इतिहास ना पता चल जाए हमें। अब हमें पता चल गया, शरम, समण मीन्स हमारा ओरिजिनल वर्ड समण है, और सब कुछ हम थे, राजा हम थे, चिकित्सक हम थे, प्रोफेसर हम थे, शिक्षाविद हम थे, यूनिवर्सिटीज हमारी थी, हमारे प्रोफेसर थे, सर्जन थे, डॉक्टर्स थे, जो भी सब कुछ था, सैनिक हम थे। तो सारा का सारा क्यों थे नेचुरली, ज्यादा संख्या थी हमारी समन, यहाँ के मूल निवासी बाहर से आएंगे तो कितने लोग आएंगे, थोड़े बहुत हैं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं ये सब कुछ हमारा था, लेकिन हमें इन्होंने क्या है कि शरमन बना के श्रमिक बना गए। अब हम कहीं किसी से बात करेंगे, कोई न कोई कहे अरे तुम तो भाई शरमन हो, श्रम करने वाले, तो हम वही थोड़ा चुप हो जाते, भी अपना तो काम यही है, श्रम, काम करना, और काम के बोझ के नीचे दबे रहते हैं। गर्व गौरव ने तो महसूस भी करते होंगे, भाई ठीक है हम तो श्रम करके खाते हैं अभी, लेकिन असली बात है सारा कुछ है काम, वो भी है कोई शासक है वो भी तो काम करता है, सैनिक है काम करते हैं, प्रशासन काम करते हैं, काम तो वो भी करते ही हैं, तो हम उसको ऐसा भी नहीं समझे, तो सारे काम हम करते थे। ये इन्होंने एक किस्म से शब्दावली का जो बड़ा है, और हमारे जो जितने संगठन कहे या बहुत हमारे बिना संगठन पुराने हाथी है, उन्होंने बखान किया, वो इनकी किताबें पढ़ पढ़ गई, जो लिखी किसने, जिन लोगों ने लिखी उनकी, उन्होंने जैसे लिखा वो हमने पढ़ पढ़ के बताया। तो हमने थोड़ा सोचा नहीं, अब हम सोचने लग गए हैं, तो हमारी सारी पाली भाषा, संस्कृत, संस्कृति हमारी पुरानी क्या है, सब कुछ है। और ये सब जो 1837, 1871, उसके बाद 1937, ये जेम्स प्रिंसेप और जो अशोक स्तंभ और शिलालेख हैं और स्तूपाज हैं, इन पे जो पाली भाषा में जो लिखे हुए थे, इतने 84,000 जो शिक्षाएं बुद्ध की, जो ये बमण है अब तक पढ़ भी नहीं पाए थे कभी, डेसिफर करना बोलते हैं इसको, वो उन्होंने, अंग्रेजों ने डेसिफर करके सारा कुछ बताया। हमें तब भी पता नहीं था, क्योंकि हमें आजादी मिलने तक तो वही बात है, पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। संविधान लागू होने के बाद थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ना शुरू किया, तो पहले शुरुआत में तो हम कह सकते हैं कि हमारे खाने के लाले थे, कोई पढ़ने वाली जो जनरेशन थी, हमारे बाप दादा कोई होंगे, उनको बोलने का, पानी पीने का ये सब अधिकार ही, वो मिलने लगे तो थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ाई की सूझी, तो पढ़े पढ़ के फिर हमें ये, हालांकि अंग्रेजों ने पहले ये सब कर रखा था, लेकिन हमें पता तभी चला, हमें ज्ञान हुआ। आज भी हम लेकिन पूरी तरह से, पूरी तरह का कुछ भी, बहुत कम लोग हैं इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं, अपना ऐशोआराम में खोए हुए, सब कुछ पढ़ लिए, सारा कुछ कर लिया, आज भी वो समझने को अपनी संस्कृति या अपनी पुरानी इन चीजों को पे ध्यान देने की जरूरत नहीं समझते हैं। ये ऐसे कह सकते हैं 100 से 300 सालों के बीच का सारा मामला है, जो हम देख सकते हैं कि ये सब सारा का सारा हमें, और ये हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि लिखा किसी ने, लिख दिया और हमने मान लिया, जैसे हम कल मैं कह रहा जाति का अभ्यास नहीं करना, तो जाति किसने बनाई, किसने लिखी, हमें पता नहीं, लेकिन हम अभ्यास कर रहे हैं उसका, इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए बढ़ रही है, अभ्यास बंद कर दे तो बंद हो जाएगी। तो इसी तरह हमें समवन कौन है ये पता है, बराबरी में रहने वाले हैं, तो उस तरह की हम सोच अपनी बढ़ाएं, बढ़ाएंगे तो जो है हम कहीं ना कहीं जो है इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे। तो समन जिन जिनका संग है वो सब हम पहले थे ही, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कई बार कोई कहता है हम समन कैसे थे भाई, कैसे हो सकता है बराबरी का, और कई क्वेश्चन ये उठाते हैं कि नहीं ये तो बुद्ध धम्म का है समण, बुद्ध भिक्षु संघ है, तो वो पता नहीं है एक्चुअली में, पूरा इस पे मंथन करें कि इसको ऐसे सोच सकते हैं हम कि एक गांव है,
उसमें गांव में सारे साथी सारे जो लोग हैं बराबर हैं। अब उसमें से किसी एक साथी ने एक समण ने हम समण आगे सारे बराबर है समण है जो भी हम उसको पहचान दे, उसने कोई डिग्री ले ली कोई पीएचडी की कर ली कुछ ऐसा खास जैसे उस समय में बुद्ध ने कर ली बुद्ध की डिग्री मान लो ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो वो जो गांव में आज ऐसा बंदा है जिसने कर ली तो वो समणों में से ही हुआ जो बराबर में रहने वाले लोग थे। अब उसने कुछ लोगों को वो डिग्री के हिसाब से उनको सिखाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग उसकी इच्छा रही थी कि जैसे मैंने डिग्री करी है ऐसे इनको सिखाऊं मैं, तो भिक्खू और भिक्खुणी महिलाओं को भी सिखाएंगे। तो वो सिखाने के लिए अपना पूरा प्रयास शुरू कर दिया। तो कुछ ऐसा वर्ग उसमें से निकल गया जो भिक्खु संघ बन गया जो चलो उसके बराबर नहीं पहुंच पाए लेकिन एक उसकी काफी नजदीक पहुंचे ऐसे भिखूनी संघ बन गया। तो उनके नियम बना दिए अलग भी तुम्हें अगर इतना सीख गए तो तुम्हें ऐसे रहना है। अलग अलग थे भिखूनी संघ के भिखू संघ के नियम। लेकिन आप इसमें हम जाए है तो सारे उसी एक परिवार उस गांव के जो एक पहचान थी ओरिजिनली उससे उसी में से कुछ कहते हैं कह सकते हैं हम कि कुछ सीखने तो आए और लेकिन वापिस अपने उन नियमों को बनने की बजाय वापिस अपनी पहचान गांव में रहने लगे मतलब अलग पहचान नहीं कराई। वो उपासक संघ जैसे पुराना था वो उपासक संघ उपासिका संघ हो गया। तो ये उसी तरह का हम इसको सोच के समझ सकते हैं कि उस टाइम सब बराबर थे और ये भिखुणी संघ भिक्खु संघ और जो है उपासक संघ उपासिका संघ वो सब ऐसा कोई अलग संघ था नहीं समण संघ ही था। इसी तरह हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध हमारा जो यहाँ समण संघ का कोई मकसद है वो पुराना है हमारा कोई बुद्ध धमिक उससे नहीं है कोई लिंक। अब बार बार कोई सोचते हैं कि ये समण संघ चला रखा है क्या बुद्ध धर्म अपनवा रहे हैं या बुद्ध धर्म में हमें लाने की कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो ये सिंपल जैसे पुराने टाइम में आम लोगों का संघ वो संघ है और बुद्ध के टाइम भी हम बुद्ध भी उसी संघ के हिस्सा थे। बाद में उन्होंने डिग्री कह सकते हैं जो भी ज्ञान प्राप्त करके थोड़ा सा ऊपर उठे लेकिन उसी संघ के हिस्सा थे। अब इस ये समझाने के लिए ना अगर उस संघ के हिस्सा थे तो हम कह सकते हैं कि कैसे थे कोई कहे भाई उसको सजा किसने दी उसको समर संघ ने सजा दी जो भी उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा था। उसके बाद ही तो वो प्रयोज्ञा लेके बने जब को ये कहानियां बार बार बताते हैं कहानी की कोलिया वंश और शाक्य वंश की जो पानी को रोहिणी नदी पे लड़ाई थी और वो जब फैसला हुआ कि हम लड़ाई करेंगे तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम नहीं माने उस उनको भाई ये लड़ाई में कुछ रखा नहीं है और मैं आपकी बातें नहीं मानूंगा इससे नुकसान ही होता है आप जो भी है समझौता करें। तो लेकिन वो संघ का जो फैसला था बहुमत से फैसला मानना था नहीं मानने के वो नियम थे भी उनको सजा होगी तीन तरह की सजा थी। उन तीनों में से चलो वो एक ले ली और वो अपने प्रयोज्या ले गए या देश निकाला लेकर शांति से चले गए अपने वहां से सबने विदा किया। ये इससे ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई इसको समझना चाहे भी कब था कैसे था कोई क्वेश्चन उठाता तो वो सब समझने के लिए है कि ऐसा नहीं है इसको हम ऐसा करके समझ सकते हैं पहले पहले का है समण संघ बुद्ध से भी पहले का समण संघ है। तो इस समण संघ की जो बात है वो थोड़ा सा समझाने के लिए ये सब मैं बताना चाह रहा था और इसको जो हमारे संगठन है वो सारे वो ढंग से लेते हैं। अब हमें इकट्ठा होना जरूरी है लेकिन संगठन क्या है वो संघ में रहने के बजाय जो संगठन कह सकते हैं उसको सर्वोपरि मानते हैं उनके लिए तो हम कहते हैं समन संघ जो है सबसे सही है वो अपने संगठन को ज्यादा सर्वोपरि बता रहे हैं। और आज 74 साल हो गए अब संगठन तो कब से बन रहे हैं और बन रहे हैं और भी बनते जाएंगे हमारे तो हालत खराब होती जा रही है। जैसे कह रहे हैं कि 29 लाख संगठन है और 4 लाख एक्टिव है तो संगठन जो आजादी के बाद बढ़ते गए जब जैसे जैसे बढ़ते गए हैं तो हमारे अधिकार तो बचने चाहिए थे। अब बताओ आपको कौन से अधिकार बच रहे हैं सभी कहते हैं बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर पूरा करेंगे पूरा और पूरा करने का जो काम है कोई नहीं करता पूरा हो कहाँ रहा है।
अब मिशन तो वापस जा रहा है। आज की देश को हालत क्या है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारी शिक्षा स्वास्थ्य कहाँ है, और अब तो बहुत ही ज्यादा हाल खराब है। जो लोग हैं हमारे आम लोगों को भ्रमित कर करके कहाँ पहुंचा लिया, और हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे इतने पढ़े लिखे ज्ञानवान सब कुछ है, वो लोग भी यहाँ जैसे इसमें कहाँ आने को तैयार है, नहीं समझने को तैयार है, जबकि सामने दिख रहा है, सामने पिटाइयां हो रही है, सामने सामने लोग चीख चीख कर बार बार अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे, अरे सुधरो, तुम अपनी औकात में रहो, कभी कुछ, कभी मार पिटाई, कभी मूछ रखने पे, सब तो हो रहा है और रोज हो रहा है, एक दिन कुछ, 2 दिन कभी कहीं कभी कहीं। और हमारे संगठन है वहां वही बात, जा जाके वहां अपना फोटो खिंचवाना रो सब करके, और जो है असली काम है, अगर वो इकट्ठे हो गए चले जाएं तो बचाव हो, तो समर संघ तो इकट्ठा होने के लिए इसीलिए जोर दे रहा है, जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे तो ये जुम जाती है अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो हमें जुड़ना है, जोड़ना है, इसी पे फोकस है हमारा। आज ये पहला गोल्डन रूल है, इसको हमें समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में कोशिश की है मैंने, और हम जुड़ेंगे जीतेंगे, और जब जब जुड़े हैं तब तब जीते भी हैं, और अब जुड़ना शुरू हुआ है तो बड़ी तेजी से, जैसे बात कर रहा था, जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ के रहेंगे हम और जीत के रहेंगे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम। थैंक यू सर। प्रयास सर, जी सर, सर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा सर। साधु साधु साधु, बढ़िया। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। गच्छामि तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि।
साधु साधु साधु।